छात्रों पर हमले की घटना एक बार फिर सामने आई। छपरौली रोड स्थित एक पब्लिक स्कूल से छुट्टी होकर वापस घरों को लौट रहे कक्षा 11 के छात्रों को आधा दर्जन बाइक सवारों ने घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं व धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के छपरौली रोड स्थित डिवाइन ग्लोबल एकेडमी स्कूल की आज दोपहर छुट्टी होने के बाद जब छात्र अपने घरों को लौट रहे थे तब आधा दर्जन युवकों ने कक्षा 11 के छात्रों को घेर लिया और चाकू व धारदार हथियार से हमला कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना में 3 छात्र जयंत, विक्रांत व अनमोल घायल हो गए। घटना स्थल पर सूचना मिलने के बाद अध्यापकों के अलावा छात्रों के परिजन भी आए, जिन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वह कोतवाली बड़ौत में तहरीर दी। क्या नाम तुम्हारा? जयंत। जयंत, कैसे हुआ है झगड़ा, क्या हुआ था? 3-4 लड़के बाइक पर पीछे आए थे जी। कुमार तो उस टाइम पे आप स्कूल में थे? स्कूल से बाहर आए थे। छुट्टी हो गई थी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो पहचान करी कोई? तो कोई रंजिश रही होगी या कोई बात इस तरह की है कुछ? अभी तो पहले तो कोई जी पता नहीं वाला ना, स्कूल से निकले। तो कितने कितने बच्चे घायल हुए इसमें? 3। उनकी डॉक्टर साहब बता देंगे तो जी। बच्चे आए हैं कुछ स्कूल के, क्या मामला था? जी हमारे पास तकरीबन 2 से 2.5 के बीच 3 बच्चे आए थे जी। और बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे और उनको देख के ये लग रहा था कि काफ़ी गहरे जख्म हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धारदार हथियार, जैसे कि कोई चाकू वगैरह से उनको एक हिसाब से कुरेदा गया हो या मारा गया हो, इस तरह का लग रहा था। चोट कुछ गहरी भी थी। एक बच्चे के जिसके बाएं कंधे पे चोट लगी है, उसके प्लेवरा में भी इंजरी पाई गई है, जिसका मतलब ये है कि उसको छाती में ट्यूब डालने या फिर आगे का लंबा ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी 2 बच्चे जिन्हें पेट में लगा था चाकू, उनको भी कुछ ट्रीटमेंट की प्राइमरी केयर वगैरह हमने दिया है। आगे जो जांचें हो रही हैं उनकी, सीटी स्कैन वगैरह।